ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। हीरे की वैल्यू है ना, कोई बेदाग हीरे की, जरा भी दाग वाला हीरा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को बेदाग हीरा बनाना चाह रहा है, ताकि मेरे बच्चों की इतनी वैल्यू हो कि 21 जन्म मेरे बच्चे पूछ और उसके बाद उनकी क्या हो मंदिरों में 63 जन्म तक पूजा होती रहे। और बराबर हम बच्चों को सकास भी देते रहते हैं, ताकि मेरे बच्चे श्रेष्ठ कर्म कर सके, क्योंकि दुनिया तो भ्रष्ट वाली दुनिया है ना। ऐसी दुनिया में मेरे बच्चे भ्रष्ट कर्म से, गलत कर्म से सेफ रहें, इसलिए एक एक बच्चे को बाबा देते रहते हैं। अगर ये भी मुझे विश्वास है कि मुझे बाबा देख रहा है, बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, माँ बाप हमेशा उसको देखते ही रहते हैं, अपने तो कहते इतना नहीं देखो कहीं नजर ना लग जाए, बेटे को देखते ही रहते हैं ना कि कहीं नजर ना लग जाए, क्योंकि बेटा प्यारा है। ऐसे ही हम भगवान के बहुत लाडले प्यारे बच्चे हैं, बाबा भी मुझे क्या करता रहता है, देखता रहता है। उसका सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। अब किसान को लगा कि मैं बेटा मेरा बहुत होशियार है, इसको पढ़ाना है, क्या करें। तो किसान ने सोचा कि खेत बेच देते हैं, और खेत बेच देंगे तो अपने बेटे को क्या करेंगे, पढ़ाई पूरी करा देंगे। किसान ने यही किया, खेत बेच दिया, क्या है, नहीं तो सारा पैसा उसी में खर्च करेगा, जाएगा तो उसको बता दिया इसमें फीस जमा कर देना, जो तुम्हें खर्च हो उसको बेच बेच के अपनी पढ़ाई पे लगाते रहना। बेटा गांव से चला, गांव से चलने के बाद रात होने लगी, उसको डर लगा कि रात हो रही है, कहीं लूट ना ले, कहीं कुछ ना हो जाए। एक गांव के करीब पहुंचा, सबने बताया कि 2 किलोमीटर दूरी पे गांव है, चले जाओ। तो उसने पहुंच गया वहां पर, और एक घर में गया कि हमको रात में विश्राम के लिए आप जगह दे दो, रात भर रुकेंगे, सुबह हम सैर चले जाएंगे। एक माँ बेटी थी, उन लोगों ने कहा ठीक है हमारे घर में रुक जाओ, सुबह चले जाना। और माँ बेटी जो थी बड़ी चंचल स्वभाव की थी, उसने बेटे ने सब बता दिया, ऐसे ऐसे है इस वाले में ना मेरे सिक्के पड़े हैं गोल्ड के। और अब माँ बेटी की नियत क्या हो गई, खराब हो गई। उन्होंने कहा कि ये पैसा अगर हम रख लेंगे तो माला माल हो जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, ऐसा ही एक पाइप तैयार किया, और उस पाइप में उन्होंने पत्थर रख दिए छोटे 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 छोटे। और जब सुबह चलने लगा, उन लोगों से मांगा मेरा वो दे दो, तो दे दिया, ले जाओ। अब जब वो कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में अब फीस बढ़नी है, उससे निकालने लगा। जैसे ही निकालने लगा तो पत्थर निकला उसमें। बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, बच्चे को एकदम अटैक पड़ा और मर गया कि हमारे बाप के पास तो कुछ है ही नहीं, जो था उसमें दे दिया और ये मैंने क्या किया, अब क्या पढ़ाई कर पाऊंगा, बच्चा मर गया। फिर क्या हुआ, धीरे 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 वो जो माँ बेटी थी ना, उसकी बेटी मर गई, उधर उसकी बेटी मर गई, इधर ये बेटा मर गया। अब कर्मों की गहन गति। फिर माँ तो बड़ी खुश हुई कि अच्छा हुआ बेटी मर गई तो मुझे दहेज वहेज नहीं देना पड़ेगा, बच गए इन सब बातों से, शादी से। पर उसको क्या हुआ कि दूसरा बेटा हो गया, मतलब एक बेटा हो गया माँ को। माँ को बेटा हुआ तो बड़ी खुश हुई कि मेरा बेटा हो गया। बेटा धीरे धीरे पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ बड़ा हुआ। अब बेटा इतना बड़ा हो गया कि बेटे की शादी की, शादी कर दी। अब जब शादी की तो बेटा सीढ़ी से चढ़ करके, अब नया बहू आई है, सीढ़ी से चढ़ के नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, पैर स्लिप हो गया बेटे का। बेटे का पैर जब स्लिप हुआ तो उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज से बचाना बहुत कठिन होता है।
ब्रेन हेमरेज हुआ बेटा मरने की कगार में, माँ रो रही है तड़फ रही है। अभी तो बहू आई है घर में और तुम्हारा ये हाल है, तुम जा रही हो तो बेटा मरने से पहले क्या कहता है कि मैं तुम्हारा वही बेटा हूं। जब मैं रात को तुम्हारे घर क्या किया था, आया था, रुका था और तुमने मेरे उसमें सारे सिक्के निकाल के क्या डाल दिया था, पत्थर, तो मैं उसी समय मर गया था और आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें क्या हो रहा है, मिल रहा है। अब मैं जा रहा हूं। तो माँ रोने लगी कि तुम तो जा रहे हो, बहू को विधवा करके क्यों जा रहे हो। कहा बहू बहू नहीं है, वो तुम्हारी लड़की थी पहले जन्म में, जो तुम दोनों ने मिलके क्या किया था, ये पाप कर्म किया था, जिस कर्म की सजा माँ बेटी तुम दोनों भोगो और मैं क्या हो रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो ये है कर्मों की गहन गति